हेलो गाइस, वेलकम बैक फॉर बी इंजीनियर। मेरा आज आप बचा हुआ के ट्यूटोरियल्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का अपना ये टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं आज अपन इसके बारे में जानने वाले हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट की और ये जो है अपना कंस्ट्रेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स का आइकॉन है। अब इसको हमेशा याद रखिए कंस्ट्रेंट के लिए कौन सा आइकॉन है, ये आइकॉन है। तो अपन ने इसको ओपन किया और जो फर्स्ट है वो है अपना लेंथ। जैसे मैं लेंथ पर दबाऊंगा तो ये उसकी लेंथ क्रिएट कर देगा। ओके ठीक है, और जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। मान लीजिए अभी ये अपने वर्टिकल नहीं है ना, अभी कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं है, तो मैं इसको वापस से नेक्स्ट वाले को मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ लाइन को, वापस से कंस्ट्रेंट बॉक्स ओपन करता हूँ। और अभी देखिए वो वर्टिकल आपको शो हो रही है, तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल करूंगा ये डिफाइन नहीं है, वो मैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और मैं उसी को वर्टिकल करूंगा ये वर्टिकल हो जाएगी। ये कंस्ट्रेंट जो वी है ये शो करता है कि ये लाइन जो है वर्टिकल है, आप इसको हॉरिजॉन्टल फिर मूव नहीं करा सकते। ओके ठीक है, जो नेक्स्ट है वो भी देख लेते हैं। ये सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया, तो आपको इसका रेडियस या डायमीटर डिफाइन करना है। ये फुल सर्कल है तो ये ऑटोमेटिक डायमीटर को शो करेगा। देखिए रेडियस को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ ये उसका डायमीटर दिखाने लगता है, 20 डायमीटर है इस सर्कल का। ओके, और जो नेक्स्ट कमांड है और मिड को सिलेक्ट किया और वापस से डायलॉग बॉक्स में गए और ये अपने को मैं डायमेंशन सिलेक्ट किया था, सॉरी, ये सेंटर को पिक किया, सेकंड लाइन को पिक किया और वापस से डायलॉग बॉक्स में गए और अपने से पूछने लगता है एंगल। और जैसे मैं लेंथ मांगा तो लेंथ भी शो कर देगा लाइंस की, है ना। तो अपने नीड के अनुसार आप यूज करें। मैंने एंगल को जैसे चेक किया, ये एंगल पूछा, ये मैंने ओके किया, ये एंगल आ गया। और अपने को जानना है इस सेंटर से, इस सेंटर की दूरी क्या है, तो उसके लिए अपन ने इसका सेंटर पिक किया, सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, डायलॉग बॉक्स ओपन किया और अपने जो है कोइंसिडेंस कमांड है। ये कोइंसिडेंस करते ही ये इसके ऊपर ओवरलेप हो जाएगा, है ना। और फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, कोइंसिडेंस मतलब एक लाइन में आ जाएंगी सारी लाइन। ये कोइंसिडेंस, ये ओके, ये एक लाइन में आ गई। और जो नेक्स्ट फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, एक्स सेलेक्ट नहीं करना आपको, पहले फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करना है, फिर सेकेंड लाइन सेलेक्ट करना है, फिर ये आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे, है ना। तो ये अभी मैं आपको पैरेलल बता रहा हूँ और इस नेक्स्ट वाले में आपको बताऊंगा परपेंडिकुलर। जैसे मैं पैरेलल में दबाऊंगा ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक क्या पैरेलल, ये जो आइकॉन है ये पैरेलल शो करता है। ओके, और जो नेक्स्ट है वो अपना पटरी, इसका सेंटर पिक करिए, इसका सेंटर पिक करिए और इस लाइन को पिक करिए, वापस से डायलॉग बॉक्स ओपन करिए, तो ये आपको ऑटोमेटिक सिमेट्री का दिखाएगा ओपन हुआ। सिमेट्री दबाऊंगा तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है। ओके, इट मीन्स सिमेट्री। इसी प्रकार से देख लेते हैं, ये भी इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और सेंटर को सेलेक्ट किया, अलग मैंने ओपन किया, तो अपने से क्या पूछ रहा है, सिर्फ ये रेडियस पूछ रहा है कि डिफाइन करिए, कि अभी अपन ने पूरा सिलेक्ट किया है ना, ये जैसे करूँगा तो रेडियस डिफाइन हो जाएगा। और आपको सिमेट्री करना है इस सेंटर से, तो आप क्या करेंगे, वापस पिक करिए, इसके सेंटर को पिक करिए, पॉइंट पिक करिए और वापस से डायलॉग बॉक्स ओपन करिए, फिर सिमेट्री का ऑप्शन खुल जाए, सॉरी इसमें इक्यू डिस्टेंस पॉइंट का सिलेक्ट हो रहा है, नहीं इस पॉइंट से यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है ये सब टिक करेंगे। तो ये सिमेट्री का ही इसमें सेंटर है, जो सेंटर पॉइंट में इक्यू डिस्टेंस पॉइंट का बनता है। ठीक है, ओके, सिमेट्री हो गई सेंटर से है, और ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डिफाइन किया, वर्टिकल डिफाइन किया, तो डिफाइन हो जाएगी। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। भाई आशा करता हूँ आपको कंस्ट्रेंट टूल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपनी तरफ से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।